मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल जहाँ हमने गुरुदेव साधु वासवानी जी से हुए संवाद को छोड़ा था, आज उसे हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल मैंने कहा, भाई आत्म ने गुरुदेव से पूछा, जो शिष्य केवल संसर्ग में रहता है और कोई साधना नहीं करता तो उसका क्या होगा। इस पर गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, संसर्ग में तीन बातें आती हैं। पहली बात प्यास, दूसरी बात सेवा और तीसरी बात शिक्षा। पर शिक्षा तुरंत नहीं मिलती, यदि शिक्षा तुरंत मिल गई तो टिकेगी नहीं। इसलिए पहले प्यास और सेवा का होना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने पूछा, क्या हमें बार बार गुरु को शिक्षा देने के लिए कहना चाहिए या फिर यह सोचकर चुप चुप रहना चाहिए कि गुरु अपने आप शिक्षा देंगे। गुरुदेव बोले, यदि प्यास होगी तो उसका इजहार अपने आप हो जाएगा, किंतु उसके साथ गुरु की सेवा करना ज़रूरी है। हम अक्सर यही चाहते हैं कि बिन कमाई अनान का साधन जहरो की, अर्थात हम बिना कमाई के ही साधु बन जाएं। गुरु की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। स्वामी दयानंद जब 35 वर्ष के थे तब उन्हें गुरु मिले। उनके गुरु का नाम था स्वामी वृजानंद। वे दयानंद से खूब काम करवाते थे। एक दिन स्वामी दयानंद ने अपना काम ढंग से नहीं किया। वे गुरु के सामने खड़े थे, उनके कमरे में एक लोहे की सलाख पड़ी थी। गुरु ने सलाख उठाकर दयानंद को दे मारी। स्वामी दयानंद बोले, अहो भाग्य, अहो भाग्य। फिर कुछ समय बाद स्वामी व्रजानंद ने दयानंद से कहा, तुम्हारे प्रति मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब तुम जाओ और लोगों को अज्ञानता के तमस से निकालकर उजाले की ओर ले जाओ। स्वामी दयानंद जहाँ भी जाते थे तो लोग जब उनकी मुड़ी हुई बाह के बारे में पूछते थे तो वे कहते, यह बाह धन्य है जो इस पर गुरु की सलाख की मार पड़ी। इस पर गुरुदेव की प्रिय शिष्या शांति ने पूछा, अब बार बार गुरु की सेवा की बात करते हैं, कई लोग हैं जिन्हें गुरु की सेवा का अवसर मिलता ही नहीं। कई लोगों के मन में गुरु की सेवा करने की प्यास होती है पर उन्हें अवसर ही नहीं मिलता। गुरुदेव ने कहा, सेवा कई प्रकार की होती है। एक सेवा है किसी को जाकर श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुनाना। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 68 श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति यह गूढ़ ज्ञान मेरे भक्तों को बताएगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। हाँ, तो किसी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुनाए या किसी को जाकर भजन सुना दिया या किसी दुखी दरिद्र की सेवा कर ली। आगे शांति ने कहा, बेशक यह सेवा तो सभी कर सकते हैं, किंतु हमें तो प्यास है कि हमें गुरु का प्यार मिले और यह तभी ही मिल सकता है जब हम उनकी सेवा करेंगे। कोई व्यक्ति चुपचाप 2 वर्षों तक सेवा कर रहा है, गुरु को इस बात का पता भी नहीं चलेगा और गुरु उसे प्यार भी नहीं करेंगे। इस पर गुरुदेव ने कहा, प्यार 2 प्रकार का होता है, एक प्यार है मीठा और दूसरा कड़वा। जैसे विदेश के एक कवि टेनिसन ने कहा है, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमॉर्टल लव। एक प्यार कड़वा है, गुरु ने शिष्य से कुछ तीखे शब्द कह दिए, गुरु ने हम पर ध्यान नहीं दिया। इन सब बातों में भी हम गुरु का प्यार देखें, उसमें अपना भला देखें, इसलिए श्रद्धा से सेवा करें, उसे निराशा नहीं
होगी, सेवा की बुनियाद होनी चाहिए श्रद्धा। इस पर दीवान तनुमल ने पूछा, यदि किसी शिष्य को गुरु के संसर्ग की चाह है किंतु गुरु उसे पसंद नहीं करते, तब क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, शिष्य को चाहिए कि स्वयं को इस योग्य बनाए जिससे गुरु उसे पसंद करने लगे। वह स्वयं से पूछे, गुरु मुझे पसंद क्यों नहीं करते? अक्सर हम स्वयं में दोष नहीं देखते, अपने दोष गुरु पर डाल देते हैं। हम गुरु के पास न्यायाधीश जज बनकर रहते हैं और गुरु को दोषी ठहराते हैं। मेरे प्रियजनों, इसके बाद गुरुदेव बगीचे से निकलकर कार में बैठे और सब घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में बात निकली कि कुछ आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने सारी सृष्टि का नक्शा दिया है, सारे विश्व को उन्होंने कुछ हिस्सों में बांटा है, मानो उन्हें अनंत का अंत मिल गया है। इस पर गुरुदेव ने कहा, प्रभु तो अनंत हैं, उनका अंत कौन जान सकता है? पर भक्ति द्वारा हम उन्हें थोड़ा बहुत जान सकते हैं, जैसे सागर की बूंद सागर को जान सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर आती है दिनांक 14 जनवरी सन 1951। गुरुदेव रोज की तरह बगीचे में सैर करने चले। वहाँ उन्होंने कहा, दो बातों का विचार करना ज़रूरी है, पहला जानना नोइंग और दूसरा होना बीइंग। यदि इंसान अपने इल्म की साक्षी अपने जीवन में नहीं देता तो उसे उलझन पैदा हो जाती है। जैसे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कितनी खोज की है और जानकारी हासिल की है, पर वे अपने इल्म की साक्षी अपने जीवन में नहीं देते, इसलिए तो वे एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहे हैं। यदि हम अपने इल्म की साक्षी जीवन में नहीं देते तो उसके लिए यही अच्छा है कि हमें कम बातों की जानकारी हो। सच्चा इल्म, सच्ची विद्या, सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन का एक अंग बने। हमारा इल्म यदि बढ़ता रहा पर उसकी झलक जीवन में नहीं दिखाई दी तो वह इल्म मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। पर पुस्तक हुआ विद्वान, पर न पाया सच्चा ज्ञान। इल्म से बेहतर है अमल, अमल बनाए प्रेम में अटल। नूरी ने माणी प्रेम न छोड़,
अच्छो चाहे दीवाना कहे तुझे लो जय जय गोपाला जय जय नंदलाला जय जय गोपाला जय जय नंदलाला जय जय गोपाला जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एटॉमिक बम बना बेशक हमारा इल्म बड़ा, पर उसकी साक्षी हमारे जीवन में नहीं है तो उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। चारों ओर लड़ाई झगड़े युद्ध और खून खराबा हो रहा है। वर्तमान सभ्यता का यह मुख्य कार्य होना चाहिए कि जो शिक्षा हम पा रहे हैं उस पर अमल करना सीखें। देखो, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के अध्यापक और प्रोफेसर कितनी सारी बातें जानते हैं और पढ़ाते हैं। बेशक उनके पास ऊंची शिक्षा है, पर यदि वे अपने जीवन में उस शिक्षा की साक्षी नहीं देते तो ऐसे कॉलेज और स्कूलों में कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने कहा, गुरुदेव, शिक्षा या इल्म को अपने जीवन में कैसे अमल करना चाहिए? हम ऐसा क्या करें जो उसकी साक्षी अपने जीवन में दे सके? गुरुदेव ने कहा, मुझे लगता है इसके लिए दो बातें करनी होंगी। पहली बात कर्म और दूसरी बात संसर्ग। किसी संत का संसर्ग या गुरु का संसर्ग। पहली बात कर्म करना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति कर्म से दूर रहेगा तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कर्म पर जोर दिया है, पर साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते हुए भी तुम्हें अकर्मी होना है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में आता है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान तथा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यह सुनकर अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, यह कैसे हो सकता है? उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म की कई मंजिलें होती हैं, किंतु तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम तुरंत परम मंजिल नहीं पा सकते। जो व्यक्ति इस मंजिल को पाने की जल्दी करता है तो इससे उसके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है। तुम्हें परम मंजिल पर धीरे धीरे अभ्यास करके पहुंचना है। हे अर्जुन, कर्म की तीन मंजिलें हैं। पहली मंजिल वह है जहाँ कर्म को कर्तव्य समझकर किया जाता है। दूसरी मंजिल है जब हम कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो उसमें हमारे भीतर अहंकार उठने का डर होता है। मन में विचार आता है कि मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहा हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य समझकर गरीबों की सेवा करता हूँ। दूसरी ओर उस व्यक्ति को देखो, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो किंतु आसक्ति रहित कर्म करो। उसके बाद है तीसरी मंजिल, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो पर फल की इच्छा त्याग दो। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का हर एक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से
कर्म फलों को भस्म कर दिया है। इस पर मैंने पूछा, गुरुदेव कर्म की दूसरी और तीसरी मंजिल में क्या अंतर है? यदि कोई कर्म आसक्ति रहित है तो क्या उसमें निष्काम कर्म नहीं आ जाता? गुरुदेव ने तब समझाया, यदि कर्म आसक्ति रहित है तो उसका अर्थ है उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, पर हो सकता है मैं ऐसा कोई कर्म करूं जिसमें मैं चाहता हूं कि जिससे मेरे देश का भला हो या फिर गरीबों और दुखियों का भला हो। ऐसे प्रकार के कर्म में फल इच्छा अभी भी बरकरार है। आसक्ति रहित कर्म एक दिन फल इच्छा रहित कर्म हो सकता है, किंतु यह जो तीसरी मंजिल है अर्थात कर्म की फल इच्छा का त्याग करना, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा अनुसार यह मंजिल सबके लिए खुली है। यहाँ तक नास्तिकों के लिए भी यह मंजिल खुली है। आगे गुरुदेव ने कहा, चार्ल्स ब्रैडला, उन्हें भगवान में विश्वास नहीं था, पर वे बिना फल की इच्छा से अपना कर्म करते थे। अब प्रश्न उठता है, यदि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं था तो वे अपना कर्म फल किसे अर्पण करते थे? ऐसा व्यक्ति कहेगा, मैं अपना कर्म फल मानव जाति को अर्पण करता हूँ, या फिर शून्य को अर्पण करता हूँ, या सृष्टि को अर्पण करता हूँ, किंतु हमें इन तीनों मंजिलों से ऊपर उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे उत्तम मंजिल तब आती है जब तुम अपने कर्म के फल की इच्छा मुझे अर्पण करते हो। उसके बाद आता है आत्मा का साक्षात्कार, लेकिन उससे पहले कर्म जरूरी है। जब हम कर्म की मंजिल पार कर लेते हैं तब हमारा अंतर उजागर होता है। जब अंतर उजागर होता है उसे कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। हमें कर्म और आत्मा का साक्षात्कार, इनके भेद को समझ लेना चाहिए। हम कर्म करते रहे पर हर समय यही समझें कि कर्म तो एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन कर्म कर पर स्वर्ग की इच्छा भी त्याग दे। आगे गुरुदेव ने कहा, जो स्वर्ग पाने की चाह रखता है वह चोर बाजार की ओर जा रहा है, किंतु जो कृष्ण भक्त है वह कहेगा, मेरे कृष्ण मेरे ठाकुर, मुझे तो चाहत है एक तेरी, तुम चाहो तो मुझे कष्ट भेजते रहो पर तुम रहो मेरे साथ हमेशा हमेशा। सुन आए सजना दिल की सदा, रखना मुझको पल भी जुदा। तू ही मोरे जीवन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। रखना मुझको पल भी जुदा।
घट घट वासी अंतर्यामी, तू ही मोरे जीवन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, इत इत मेरा एक तू ही है, तीन लोक का तू मालिक मेरे प्यारे भाई और बहनों। आगे गुरुदेव ने कहा, जब चौथी मंजिल ईश्वर अर्पणम की मंजिल पर जिज्ञासु पहुंचता है, तब उसके दिल में गहरी प्यास जागती है कि उसे कोई गुरु, कोई संत, कोई प्रभु का भक्त मिले जो उसे राह बताए। जब हम इस चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं तो सेवा आदि सब विचार भूल जाते हैं। वहाँ तो सब ईश्वर अर्पणम होता है। मैं तो कुछ नहीं करता मेरे ठाकुर, सब कुछ तुम ही करते हो। तब हम उसी तरह कर्म करने लगते हैं जैसे श्री कृष्ण गौ माताएं चराने जाते थे। वे कहते थे, गौ माताओं को चराने के लिए ले जाना मेरा कर्म है। उन्हें तो कभी यह विचार भी नहीं आता था कि उन गौ माताओं से उन्हें दूध मिलेगा। हमें चाहिए कि हम स्वर्ग और नरक के विचार से दूर रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय के अभाव के कारण अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।